अबे लाओ तो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बार बार ये दिन आए बार बार दिन ये आए तुम जियो हजारों साल के दिन 50,000 हैप्पी बर्थडे टू यू डॉक्टर साहब हैप्पी बर्थडे टू यू। फोटो थोड़ा टेढ़ा कर दो दादी एक इसमें फोटो ले लेना चलते और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे जहाँ से सांसद उनके स्टार्ट में जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज हमने सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे भाई जो हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब का हमने यहाँ पे वृद्धाश्रम में उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यहाँ पे केक काट कर खुशी मनाई और यही कामना की प्रभु श्री राम से माता रानी से कि जिस तरह डॉक्टर हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अपने इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए कार्य कर रहे हैं और जो माइलस्टोन वो दिन प्रतिदिन अचीव कर रहे हैं तो हम इस क्षेत्र के होते हुए हमारा दायित्व बनता है कि हम भगवान से उनकी दीर्घायु की कामना करें और हम आज के दिन यही कामना करते हैं जिस तरह से डॉक्टर जी पूरे देश भर के कार्य कर रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं उसी तरह इसी गति से वो कार्य करते रहें और ताकि भारत को विश्वविख्यात और विश्वगुरु बनाने में कहीं ना कहीं छोटे छोटे योगदान वो बड़े अहम भूमिका निभाते हैं। एक बार पुनः हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से डॉक्टर साहब के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और यही कामना करते हैं कि प्रभु उनकी दीर्घायु करे। जय श्री राम। आपने आपने वृद्धाश्रम ही क्यों चुना है? देखिए वृद्धाश्रम चुनने का ये रीज़न है क्योंकि बड़े सारे इससे पहले भी हमने कार्यक्रम किया है सब देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं तो वृद्धाश्रम में हमारा मन था कि क्यों ना डॉक्टर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक सेवा कार्य किए जाए और हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे रहते हैं उनके साथ खुशियाँ बांटी जाए क्योंकि कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और दुख भी बांटने से बढ़ते हैं तो यदि ये खुशी का मौका है हम लोग तो मना ही रहे हैं जो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग रहते हैं उन हमारा मन था कि उनके साथ खुशियाँ साझी की जाए और उन लोगों का भाई आशीर्वाद डॉक्टर साहब को लगे ताकि डॉक्टर साहब और मैं देख रहा था ये सभी लोग डॉक्टर साहब को जानते और उनकी तारीफ कर रहे थे कि बड़े अच्छे लीडर हैं और काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे कठुआ में जो हमारा वृद्धाश्रम है बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने ये यहाँ पे आज कार्यक्रम किया।